आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी स्कूल और कॉलेज लेवल की एग्ज़ाम्स आ रही हैं एंड काफ़ी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहे होंगे, उनकी भी एग्ज़ाम्स पास में ही होंगी। तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में, लेकिन ये बात नहीं करेंगे कि आप खूब पढ़िए, बहुत सारा ध्यान लगा के पढ़िए, कंटिन्यूसली पढ़िए, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली आपको, क्योंकि आई नो इतना कॉन्साइंस सभी में है कि एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसको क्रैक करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, और यदि आपकी कॉलेज लेवल एग्ज़ाम्स है तो उसमें भी अच्छे परसेंटेज गेन करने के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब जानते हैं आप ऑलरेडी। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस को दूर रखना है, बिना स्ट्रेस लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि जितना कम स्ट्रेस से आप पढ़ाई करेंगे चीज़ें आपको उतनी अच्छी समझ में आएंगी और उतनी ज़्यादा याद भी रहेंगी। तो अपने आप पे ट्रस्ट करें, आपको बहुत अच्छे से आती है चीज़ें, आप जितना अपने आप को कम समझते हैं लेकिन आपको फिर भी उससे ज़्यादा पोटेंशियल है आप में, एंड यू कैन डू इट। बात यहाँ आ रही है आपकी, बहुत सारी एग्ज़ाम्स ऑफलाइन भी होने वाली हैं इस बार, तो आप सभी अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, हेल्थ मतलब फिज़िकल हेल्थ भी प्लस मेंटल हेल्थ भी। तो फिज़िकल हेल्थ तो आप जब भी जाएंगे कॉलेज में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देने, मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइज़र साथ में रखेंगे एंड अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे। मेंटल हेल्थ की यदि हम बात करें तो यहाँ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्लस जब हम कंटिन्यूसली पढ़ने लगते हैं, ब्रेक यदि नहीं लेते हैं बीच में, तो एक टाइम के बाद थ्रेशोल्ड आ जाता है एंड हमारा जो माइंड है वो ग्रेस्प करना बंद कर देता है या बहुत स्लो हो जाती है हमारी लर्निंग स्पीड। तो ऐसे टाइम में क्या करें, वैसे आई नो बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर शेड्यूल भी बनाया होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें स्ट्रेस नहीं होती, अगर नहीं होती तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉपर मेहनत करते हैं पर फिर भी थोड़ा स्ट्रेस उनको रहता है। आई वुड से कि आप कुछ जो शेड्यूल आपने बनाया हो उसमें माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो चीज़ें आपने जो भी रखी हों उनको फॉलो करें, और यदि नहीं सोचा है अभी आपने उसके बारे में तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप थोड़ी देर ब्रेक लें अपनी स्टडीज़ से। उसके अलावा यदि आपने एक पावर नैप की सोची है कि भाई हम थोड़ी देर सो जाएंगे तो वो भी अच्छी बात है, या फिर यदि आप थोड़ी देर यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है थोड़ा टाइम तो उसको भी देना चाहिए, लेकिन हम कई बार क्या होता है उसको जब टाइम दे रहे हैं तो कभी कभी ज़्यादा टाइम दे देते हैं, शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है, और माइंड उतना भी हमारा रिलैक्स नहीं हो पाता है कई बार वर्चुअल वर्ल्ड में। वर्चुअल वर्ल्ड से काफ़ी बेहतर होता है रियल वर्ल्ड, तो इसलिए कुछ रिलैक्सिंग की जो तरीके हैं वो हम रियल वर्ल्ड के भी उसमें अपनाएं। जैसे यदि आपको शाम को टाइम मिलता हो, आपने अपने शेड्यूल में सेट किया हो यदि, तो आप शाम के समय टाइम निकालें। अगर आपके छत पर आपने टेरेस गार्डन या कुछ ऐसे लगा रखा हो, गमले हों, पौधे लगे हों, तो उसमें आप पानी दीजिए, बहुत अच्छी सौंधी खुशबू आएगी आपको जो आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगी। और नेचर के टच में जब हम जाते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग फील होता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये आपके लिए, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। मैं डेली करती हूँ, भले एग्ज़ाम्स हो या ना हो, टेरेस गार्डन में जाना इवनिंग में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने साथ भी कुछ टाइम अलोन स्पेंड करते हैं। फिर उसके अलावा जो नेचर होता है उससे ज़्यादा सेल्फलेस कोई नहीं, तो काफ़ी बेहतरीन लगेगा आपको, रिलैक्सिंग लगेगा। प्लस यदि आप चाहें इसके अलावा भी तो आप अपने पास के गार्डन में भी जा सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी हो, वहाँ जा कर के आप जो लोग हैं, जो ग्रीनरी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको देख सकते हो। पॉजिटिविटी को ऑब्ज़र्व करें हर चीज़ में, इनोसेंस को नोटिस करें, दैट विल डेफिनेटली रिफ़्रेश योर माइंड। या फिर जैसे जो छोटे पपीज़ वगैरह रहते हैं उनको भी जब हम देखते हैं तो काफ़ी रिलैक्सिंग लगती है हमें चीज़ें। उसके बाद में जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करके फिर से जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड काफ़ी अच्छा, अच्छे मोड में आ जाता है, जहाँ पर ग्रेस्पिंग कैपेसिटी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है।
तो फिर से जब हम पढ़ने बैठते हैं अच्छे माइंड के साथ में, तो जो चीज़ें पढ़ते हैं वो याद भी रहती है हमें। तो आपको अपने आप का भी ध्यान रखना है एग्ज़ाम टाइम में, और अपने आप पे ट्रस्ट करना है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप में बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। अपने आप की भी केयर करनी है साथ में, है? इट डजेंट मीन मी फर्स्ट, बट इट मीन्स मी टू। क्योंकि कई बार हम दूसरों की तो केयर करते ही हैं, जैसे अभी के कंटेक्स्ट में एग्ज़ाम हो तो हम एग्ज़ाम की फ़िक्र कर रहे हैं, या नॉर्मल कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम अपने दूसरों की जो हमसे रिलेटेड रहते हैं उनकी तो केयर करते ही हैं, पर अपने आप को भूल जाते हैं कई बार। तो अपने आप को भी प्रायोरिटीज़ में शामिल करें, ठीक है? तो अपने मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान रखें एग्ज़ाम के साथ में ही। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी तरफ से। बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट डू योर बेस्ट एफर्ट्स, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाइए और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लॉट्स ऑफ विशेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू, बाय बाय। एंड कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करो अगर वीडियो अच्छी लगे तो। हैप्पी महाशिवरात्रि।